नाउ यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, टेस्ट योर सेल्फ मीन्स खुद को चेक करो आपको कितना आ रहा है। ओके बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। बोल रहे क्वेश्चन तो दी गए हैं, उनके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, मतलब सही आंसर चूज करना है। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो इसको देखते हैं क्या ये। पहले तो डायरेक्शन दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसको ऐसे समझाते हुए यहाँ पर भी कुछ दिया है, ये होम है किसी का, होम के 1 किलोमीटर दूर बस स्टॉप है, मीन्स बस स्टेशन है, होम के वो वाला बस स्टेशन नॉर्थ में गया है, ऊपर है। और ईस्ट में देखो यहाँ पे ईस्ट में 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, साउथ में 3 किलोमीटर दूर टेम्पल है एंड वेस्ट में 4 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हॉस्पिटल इज एट द ब्रैकेट साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस, मीन्स पोस्ट ऑफिस के कौन से साइड है हॉस्पिटल। तो पहले पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, ये रहा पोस्ट ऑफिस के इस तरफ वाला ईस्ट है, उस तरफ वाला वेस्ट है और ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो पोस्ट ऑफिस के ईस्ट में हॉस्पिटल देखो, तो यहाँ पर आंसर आएगा ईस्ट, मीन्स यहाँ पर मैं ईस्ट लिख सकता हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखे, बस स्टेशन इज एट द ब्रैकेट साइड ऑफ होम, होम के मीन्स ये घर के कौन से साइड में है बस स्टेशन। तो ऊपर है नॉर्थ, इसका आंसर आएगा सी नॉर्थ। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, होम इज एट द साउथ साइड ऑफ, ओके होम किसके साउथ में है, बस स्टेशन के साउथ में है। देखो साउथ मीन्स नीचे वाला, कि आपका साउथ है तो साउथ मीन्स नीचे वाला है, तो किसके साउथ में है, तो बस स्टेशन के साउथ में है होम। सो इसका आंसर आएगा बस स्टेशन बी, बस स्टेशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल इज ब्रैकेट किलोमीटर, मीन्स पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा लिखना हमें। तो देखते हैं दोनों प्लेसेस कहां पर है, बस स्टेशन पहले पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ये रहा और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये रहा, तो ये 4 और इधर से ये 2, होम से ये 4 इधर है और 2 इधर है, सो 4 2 प्लस करूंगा तो 6 होगा, तो 6 है आंसर, यस सी 6 किलोमीटर, सो यहाँ पर 6 लिख दूंगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल इज ब्रैकेट किलोमीटर, अभी बस स्टेशन और टेम्पल के बीच में डिस्टेंस देखना है। तो बस स्टेशन ऊपर है, टेम्पल नीचे है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, सो 1 1 1 एंड 3 4 किलोमीटर, सो इसका आंसर आएगा 4। कितना इजी था ये, होप आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। नाउ आप देखें, लेट्स डू होमवर्क, ये होमवर्क है आपका, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, देखो क्या है। फर्स्ट बोल रहा है ड्रॉ अ रोड मैप फ्रॉम योर होम टू स्कूल, मीन्स अपने होम से स्कूल तक का मैप ड्रॉ करना है रोड के साथ, रोड का। ओके इंडिकेट इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन बिटवीन, मतलब आप घर से निकले हो तो आपके स्कूल के वेस में जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस आएंगी उसको भी इंडिकेट करना है, दिखाना है, दर्शाना है। ओके सो देखते हैं, मैं तो अपना कर रहा हूँ, आप सबका अलग अलग होगा, उस हिसाब से आप करिएगा। तो देखिए मेरा घर ये मेन रोड जाता है, यहाँ से मेन रोड जा कर के आगे में यहाँ पे से ये तो रास्ता आगे जाता ही रहता है, ओके बट यहाँ से एक टर्निंग आता है मेरे स्कूल के लिए, यहाँ से एक टर्निंग आता है, यहाँ पे फ्रीवे आते हैं, फ्रीवे से यहाँ पर नीचे उतरता है एक रास्ता, उधर से भी नीचे उतरता है और इधर से जाता रहता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये रोड मैंने इंडिकेट किया। ओके ये मैंने रोड इंडिकेट किया, अच्छे से ड्रॉ कर लो। अब देखो यहाँ पर जब मैं अपने घर से निकला हूँ ऐसे जा रहा हूँ तो यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर GARDEN गार्डन है, तो मैंने यहाँ पे गार्डन लिख दिया। देन इस तरफ यहाँ पर एक बार है, इधर गार्डन के जस्ट यहाँ पे BAR बार, यहाँ पर एक बार है,
फिर आगे जाऊंगा तो यहाँ पर स्टॉल है, बट उसको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन चीज़ को ही करना है। सो यहाँ पर एक बस स्टॉप है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट इसकी मेन पे ही, यहाँ पर ये बस स्टेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बस स्टेशन। फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं तो थोड़ा ही दूर पे जा करके यहाँ पर अपना मेरा स्कूल है, मतलब मेरा स्कूल था, अभी मैं स्कूलिंग में नहीं हूँ, यहाँ पर है मेरा स्कूल। ऐसे बॉक्स बना सकता हूँ वगैरह कुछ भी, बट मुझे नहीं बनाना चाहिए था, ये अपना स्कूल है, मैं स्कूल लिख देता हूँ खाली। ओके, प्लेसेस का नाम लिखना है खाली, तो यहाँ पर मैं स्कूल लिख देता हूँ। हो गया, ये मेरा मैप रेडी हो गया। ऐसे ही सबका अलग अलग मैप होगा, आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करके आप अपना मैप बना सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए आपका मैप। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया कैसे भी। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ रोड मैप फ्रॉम द मेन डोर ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के मेन डोर से एक मैप ड्रॉ करना है, रोड मैप ड्रॉ करना है टू योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम तक का। ओके, इंडिकेट द प्लेसेस इन बिटवीन, उसके प्लेसेस को भी इंडिकेट करना है। तो मैं अपना करता हूँ, मेरे ये मान लो पूरा बॉक्स ही मेरा स्कूल है। ओके, ये स्कूल के यहाँ पे फेंस है ये सब। ओके, यहाँ पे ये सब फेंस है, तो मेरा मेन गेट यहाँ से स्टार्ट होता है। वैसे तो यहाँ पर रूट नहीं है, बट मैं रूट में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं क्लासरूम मेरा मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये पूरा स्कूल है। ओके, दिस इज़ द स्कूल। ओके, हियर इज़ ऑल्सो स्कूल एंड हियर इज़ ऑल्सो स्कूल, सारे स्कूल से बिल्डिंग से बीच में गैप है वो अलग बात है। तो मैं मानता हूँ मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, मैं बताता हूँ, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो डायरेक्टली जा सकता हूँ, एक सब ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राउंड, GROUND, दिस इज ग्राउंड। ऐसे मैं जा रहा हूँ तो देन ऐसे करके यहाँ पे से जाता हूँ। ओके, ये रोड में ड्रॉ कर रहा हूँ कि स्कूल में कैसे जाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे जाकर कैसे एंट्री करना है, यहाँ पर अपना ऑफिस जस्ट यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला है, ये वाला भाग जो है वो ऑफिस है, WFICE, ये ऑफिस लिख दे मैंने यहाँ पर। देन और क्या है, यहाँ पर से जाते हैं तो यहाँ पर मैं ऑफिस है ये, और यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पे मैं बाथरूम लिख देता हूँ। ओके, और क्या है, बस इतना ही तो है, यहाँ पे सब साइड में ट्री से बट उसको हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पर नॉर्मली सा मेरा ऐसा ड्रॉ हुआ, बट आपका सेम ऐसे नहीं होगा, आपका डिफरेंट होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। सो आप लोग अपना इमेजिनेशन करके करो ड्रॉ। ओके, ड्रॉ करो इसको ऐसे। नाउ थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग मैप ऑफ असेंबली ग्राउंड एंड आंसर द क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये अलग अलग जो शेप है यहाँ पे देखो, ये रहा आपका ये गार्डन है इतना, फिर ये आपका असेंबली हॉल है पूरा ऐसे दिया हुआ है। ओके, असेंबली हॉल से अटैच हुआ है ऐसे, ये रूम है। ओके, एंड देन ये आपका पार्क है, बोल रहा है इस सब पे एरिया ढूंढना है। ओके, और यहाँ पर देखो इसको नोट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, और 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बना हुआ है, एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। ओके, 1 सेंटीमीटर हम लोग को 3 मीटर कंसिडर करना है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। फर्स्ट ए क्वेश्चंस का हम आंसर देने चलते हैं, तो फर्स्ट ए बोल रहा है एरिया ऑफ असेंबली हॉल, असेंबली हॉल किधर है, ये रहा, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ढूंढ लेते हैं। देखो जो ज़्यादा ही होगा वो लेंथ होगा, जो कम होगा वो ब्रीथ होगा, मीन्स यहाँ पे देखो 3 बॉक्सेस यहाँ पे ये ब्रीथ है, और जो ज़्यादा बॉक्स होगा 1 2 3 4 4 बॉक्सेस वो लेंथ होगा। तो मैं इसका लेंथ और ब्रीथ फाइंड करता हूँ पहले, तो देखो LENGTH लेंथ इसका दिया है 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, बट मुझे कंसिडर करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
3 मीटर। सो मैं यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 जा 12, ये 12 मीटर कहेगा। ओके, तो इसका लेंथ 12 मीटर दिया है। एंड ब्रीथ देखते हैं, एंड ब्रीथ देखते हैं, इसका ब्रीथ है 1 2 3 सेंटीमीटर। मीन्स इसको भी मैं अगर 3 से मॉडल पे कर दूं तो हो जाएगा 3 3 9 मीटर। ओके, सो एरिया ऑफ असेंबली होल का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ये रेक्टेंगल शेप में है ये, सो लिख देंगे एरिया ऑफ असेंबली होल। ओके, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। सो मैं यहाँ पे L मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। सो देखो लेंथ इसका 12 मीटर है, मल्टीप्लाई ब्रीथ 9 मीटर। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108, कितना आएगा आंसर, 12 9 108, 8 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 108 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर स्क्वायर मीटर के एसक्यू मीटर, यहां पर भी लिख देता हूं एसक्यू मीटर, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो स्क्वायर मीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रूम, रूम किधर है, ये रहा रूम, सिर्फ रूम का एरिया करना है, तो रूम में लेंथ ये रहा, ब्रीथ ये रहा। सो सेकंड करने जा रहा हूं मैं, तो एरिया का रूम का लेंथ, एल एल फॉर लेंथ लेता हूं, लेंथ कितना है तो इसका 1 2 3 cm है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 3 9 मीटर, ये 9 मीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर कंसीडर करना है। सो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द ब्रीथ बी, बी इज इक्वल टू 1 2 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा इसको भी तो 3 2 जा 6 मीटर। ना इसका रूम के एरिया फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एल मल्टीप्लाई बी। सो लेंथ इसका 9 मीटर था, बी इसका 6 मीटर है, सो 9 6 54, इसको स्क्वायर मीटर लिख देंगे एस क्यू मीटर, इसका आंसर हुआ। सो बी का आंसर हो गया 9 9 6 54 54 स्क्वायर मीटर। नाउ थर्ड वन देखे, एरिया ऑफ गैलरी, गैलरी कहाँ पे, ये रहा बस इतना ही गैलरी है। ओके, तो एरिया ऑफ गैलरी की भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, देखो तो गैलरी एल लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 मीटर। एंड द ब्रीथ बी, बी कितना है इसका 1 ही है, सो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3 मीटर। नाउ यहाँ पे इसके एरिया फाइंड कर लेता हूँ, तो एरिया एरिया ऑफ गैलरी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। सो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, एल आपका 9 है, बी ब्रीथ 3 है, सो 9 3 जा 27 स्क्वायर मीटर। सो इसका आंसर आया गैलरी का 27 स्क्वायर मीटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन किधर है, वो रहा सबसे ऊपर है, ये रहा गार्डन। सो गार्डन के एरिया ढूंढना है, तो इसके लिए तो मेरे पास रिप्लेस बचा नहीं इसमें,
तो देखो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसके अंदर करता हूँ, देखो एरिया ऑफ गार्डन करने जा रहा हूँ। तो गार्डन ऐसे बना हुआ है, ये शेप में गार्डन है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 4 है। ओके, सो गार्डन का मैं लिखता हूँ, गार्डन का लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3, 4, 12 मीटर हो गया। देन बी, ब्रीथ कितना है, इधर से 1 ही बॉक्स है, सो 1 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये 3 मीटर ही है। तो यहाँ पर मिला 12 मीटर एंड यहाँ पर मिला 3 मीटर। तो इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो एल मिला है मुझे 12, मैंने स्मॉल ए बी सी डी यूज़ किया, कन्फ्यूज मत होइएगा। देन एल इसका है 12 मल्टीप्लाई बी ब्रीथ है 3 मीटर, तो 12 3 36, ओके इसका आंसर आया 36 स्क्वायर मीटर। तो देख लो आप लोग, ये मैंने गार्डन के एरिया फाइंड किया, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दूंगा 36 स्क्वायर मीटर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पार्किंग, पार्किंग का एरिया ढूंढना, ये रहा पार्किंग। ओके इसमें काउंट कर लेता हूँ, देखो पार्किंग का भी कर लेता हूँ, एरिया ऑफ पार्किंग में देखते हैं। तो पहले लिखता हूँ PARKING, पार्किंग के लिए जा रहा हूँ, पार्किंग के लिए लेंथ कितना है, लेंथ ज़्यादा वाला होता है, ये वाला लेंथ होता है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ओके 8 cm, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 8 3 = 24 मीटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे दिया ना 1 cm इज इक्वल टू 3 मीटर, ओके सो 8 cm इज इक्वल टू, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 मीटर हो जाएगा, ये तो लेंथ हुआ। देन इसका ब्रेथ बी, बी कितना है, 1, 2 ही बॉक्स है साइड से, सो 2 cm, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो हो जाएगा 2 3 = 6 मीटर। ओके नाउ एरिया ऑफ पार्किंग लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ पार्किंग इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका फॉर्मूला है ये, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ। सो लेंथ मिला है 24 मल्टीप्लाई ब्रेथ मिला है 6, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ साइड में, 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 = 24 का 4 रेस्ट टू 2, अभी 6 2 = 12 12 और 1 2, अभी 6 2 = 12 12 और 2 14 मीन्स 144, इसका स्क्वायर आया 144 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 144 स्क्वायर मीटर। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है विच प्लेस हैज द बिगेस्ट एरिया। आप इसमें से देख सकते हो कौन से एरिया का बिगेस्ट एरिया है। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो बोल रहा है विच प्लेस हैज द बिगेस्ट एरिया, मीन्स इसमें से कौन सा वो जगह है जिसमें बड़ा एरिया है। तो सबका इसमें अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा ये आया है, जिसके अंदर ज़्यादा बॉक्सेस होंगे वही बड़ा एरिया होगा। तो इसके अंदर में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 2 = 16 बॉक्सेस है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दोनों बड़े हैं जिसमें से इसका ज़्यादा बॉक्सेस है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा पार्किंग। नाउ सेवेंथ वन क्या बोल रहा है, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, कौन सा जगह पे सबसे छोटा एरिया है, कम बॉक्सेस वाला छोटा एरिया होगा, और दैट्स गैलरी, इसका आंसर आएगा गैलरी। देखो 3 बॉक्सेस है ओनली गैलरी में, सो इसका आंसर लिख दूंगा मैं गैलरी। नाउ एट वन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ असेंबली हॉल टू द एरिया ऑफ रूम। ओके असेंबली हॉल रूम के कितना टाइम्स है ऐसा लिखना है हमें, तो आई थिंक ये 2 times दिख रहा है। देख लो रूम जो में, रूम में यहाँ पे 2 row है 3-3 बॉक्सेस का, यहाँ पे 1 ही row है, तो रूम का एरिया जो है वो असेंबली के 2 times है। तो इसका आंसर मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 times।
नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ पार्किंग टू द एरिया ऑफ गार्डन. मीन्स एरिया ऑफ पार्किंग है वो कितना टाइम्स है एरिया ऑफ गार्डन के. सो देखो यहाँ पर दोनों का एरिया दिया हुआ है. इसका 36 आया गार्डन का, इसका 144 आया है. सो 144 को मैं 36 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मिल सकता है. सो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ 144 डिवाइड 36. आई थिंक ये 4 टाइम्स में पॉसिबल होगा. सो 4 यहाँ रखता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ. 4 6 जा 24, 24 का 4 रेस्ट 2 मीन्स कैरी गया 2. 4 3 जा 12, 12 में अगर 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 14. तो माइनस हो गया 14. जो यहाँ पर आया है क्वेश्चन वही आपका आंसर है. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 टाइम्स. एफ यू आर 4 टाइम्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखे बोल रहा है विच पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ असेंबली हॉल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ गैलरी. बोल रहा है कि असेंबली का कौन सा पोर्शन जो है वो एरिया ऑफ गैलरी से इक्वल है, बराबर है. तो देखते हैं असेंबली हॉल और गैलरी बोथ आर हियर. असेंबली हॉल ये रहा, गैलरी ये रहा. तो इसके से कौन सा भाग जो है वो इक्वल है तो देख सकते हैं हम लोग. इधर 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है. ओके सो 1 2 3 4 फोर्थ वाला, ये फोर्थ पोर्शन यानी कि एक साथ में दिए हुए हैं वो, ये सब इक्वल है. ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देखते हैं क्या बोल रहा है, रियल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो विच पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ असेंबली हॉल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ गैलरी. ओके असेंबली हॉल का कौन सा हिस्सा गैलरी से इक्वल है. तो देखो 1 2 3 4 फोर्थ हिस्सा, मतलब चारों हिस्से. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आंसर में फोर्थ. एफ यू आर टी एच. द होमवर्क इज डन हियर. नाउ फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे दीजिए जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ. एंड यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. नाउ बाय बाय, सीखते रहो.